हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक सम्मल और मेरे पास एक वन प्लस का मॉडल है। ठीक है, वन प्लस का मॉडल है नॉर्ड CE2 5G। ओके, तो इसमें अगर आपका लैंग्वेज हो जाता है चेंज तो आपको डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश कैसे करना है आज इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर ढूंढना है सेटिंग कहाँ गया आपका। देखिए, ये आपका है सेटिंग का सिंबल, ये सिंबल का आपको ढूंढना है। चलना है यहाँ पर आपको सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे आना है ऐसे। ये जो साइड में आपको जितने भी सिंबल दिया हुआ है ना, इस साइड में इसको मार्क करना है। इसको मार्क करते हुए आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको मिलेगा ऐसे, देखिए ऐसे मिलेगा 3 डॉट, ये वाला सिंबल 3 डॉट मिलेगा। इसको क्लिक करना है आपको और सबसे ऊपर वाला को सिलेक्ट करना है। सबसे ऊपर वाला देखिए, मैं करता हूँ अभी। आपका आ गया लैंग्वेज अभी यहाँ पर। ओके, तो क्या करना है, यहाँ पर जो तीन तीन लाइन है ना, इसको पकड़ के देखिए, मैं यहाँ पकड़ लिया अभी इंग्लिश को, ऊपर ले आया। और नीचे आपको क्या करना है, बीच वाला को ओके कर लेना है। देखिए, आप सब कुछ आपका जो था अभी, देखिए सब कुछ आपके आपका इंग्लिश हो चुका है। ठीक है, देखिए मैं फिर से करता हूँ। देखिए, चलना है आपका सेटिंग में। साइड में तो जितना सिंबल दिया है सिंबल को मार्क करना है। आपको आना है नीचे, यहाँ पर मिलेगा 3 डॉट। ठीक है, 3 डॉट को क्लिक कर लीजिए। सबसे ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पर लैंग्वेज मिलेगा, क्लिक कर लीजिए। और यहाँ से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आर भी, ये सब लैंग्वेज यहाँ पर इसको दिया हुआ है। ठीक है, ओके दोस्तों, छोटा सा वीडियो था। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।